अच्छा मैं तुम लोगों से पहले छोटे छोटे सवाल करूंगी, लेकिन सनम तुमने अपने बचपन के बारे में नहीं बताया। सो हमारा भी ऐसे ही था, जॉइंट फैमिली थी, कजन सारे एक साथ रहते थे, सारे चाचा दादा दादी, तो बहुत मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे। और मुझे याद है जब बारिश होती थी ना, तो हमारा बहुत जो ड्राइववे बहुत लंबा सा होता था, तो वहाँ एक टूटी सी थोड़ा सा एक वो है ना डिप आया हुआ था, तो उसमें पानी जमा हो जाता था। हम जाके उधर तुम भी हम जाके उधर छम छम, वो जो सारी गंदी हरकतें हम वही कर देते, इंतजार करते थे, मतलब वो सारे कजन्स मिलके। कभी बचपन में गुमी हो, अक्सर ऐसा होता है ना, घूम जाते हैं, अल्लाह ना करे। नहीं मतलब कभी कोई ऐसा, मुझे याद है कि हम अम्मी गल्फ हमें लेके जाती थी, हम दुपट्टा पकड़े हुए होते थे और अम्मी यू नो, और कभी कभार अम्मा अम्मा ये होता था। मैं देखे बहुत ज्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन उस जमाने की अम्मियाँ, जैसे मैं लाया तो साथ पकड़ के दोनों हाथों के साथ या गोद में लेके चलती हूँ, लेकिन हमारी अम्मी अपना दुपट्टा दे देती जिंदगी का वाहिद थप्पड़ मुझे जो पड़ा है ना, वो एक ही दफा पड़ा है। क्या हुआ था? मैं कोई 8 साल की थी और मैंने गई बाहर, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे फुफो के घर छोड़ा है, इनके आना जाना बहुत होता है कजन्स थे, तो मैंने कहा कि मुझे फुफो के घर छोड़ के आए, असर का वक्त हो रहा था कहीं, तो उन्होंने कहीं खाना खाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं छोड़ने जा रहा, मैं ढिटाई में अपनी, मैंने कहा आप नहीं छोड़ने जाएंगे, मैं खुद चली रहूँगी, तो उन्होंने ना हंस के बोला, उन्होंने कहा अच्छा चली जाए, मैं कहा निकल गई, मैं निकल गई वॉक करके, मुझे ना रास्ता पता था कि फुफो का घर का, मतलब उस तरह कितनी दूर था, अच्छा खासा दूर था, सो इट्स लाइक आधा घंटा, हाँ मतलब एक खैबान से लेके दूसरे खैबान तक गए, अच्छा खासा वो वाला, हाँ तो मुझे याद है रास्ते पे ना उस टाइम पे वो इस्लामाबाद तो बहुत ही छोटा था, तो कोई इस तरह बच्चा अकेला फिर रहा होता, तो पूछते थे कि कहाँ जा रहे, तो कोई ना कोई मुझे याद है पूछ, कोई एक एक अंकल से, तो उन्होंने पूछा बेटा आप कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा फुफो के घर जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा आप कितने साल की हो, मैंने कहा मैं 8 साल की हूँ, उन्होंने कहा आप कौन सी क्लास में हो बेटा, उस टाइम पे था कि कजन्स जो थी बड़ी, वो एफएससी मैट्रिक कर रही थी, तो मैंने कहा मैं मैट्रिक कर रही हूँ, 8 साल की मैट्रिक और कह के मुझे याद है मैं निकल भी गई थी आगे कि बस ज्यादा बात ना करें मेरे, फिर क्या हुआ, मैं पहुंची करीब बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई, तो उस टाइम पे ना कोई अंधेरा होना शुरू हुआ, तो दो लड़के आए कोई ना, उनको उनका भला करे वो आए, उन्होंने भी ये सवाल किए, मैंने उनको भी ये जवाब दिया, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि फुफो का घर है कहाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल पता है, ये ऑलमोस्ट आगे से बस ये बस 10 मिनट की बात है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपके घर में पता है कि आप कहाँ हो, दैट इज व्हेन इट हिट मी, मैंने कहा नहीं घर में तो नहीं पता, सो डेंजरस, घर में नहीं पता, वो मुझे उन्होंने कहा अच्छा हमें काम करते हैं, हम आपको घर ले जाते हैं, अम्मी अब्बू को बता के हम आपको छोड़ देंगे पप्पू के घर, फिर उनको बताया भी यार ड्राइवर नहीं लेके जा रहा था, मेरा कसूर नहीं, तो उन्होंने वो घर लेकर आए, घर में अंधेरा, अम्मी अब्बू पुलिस स्टेशन गए हुए थे, दादा दादी बैठे हुए टेंशन में कि कहाँ गई, और घर में अजीब मातम का वो बना था, I can imagine क्या चाटा पड़ा होगा, और मैं गई, दादा ने उनको बच्चों को कहा था और मेरे ऑफ ये जो चपेट आई, उन्होंने कहा दादा ने मारी, दादा ने उन्होंने कहा आइंदा कभी बताए बगैर अगर इस तरह गई, मैंने कहा हाँ ठीक है कभी नेवर अगेन, मेरे साथ भी हुआ था, मैं हमारे गली के कोने में, बस गली के कोने में गोला गंडा मिलता था उस जमाने में, हाँ तो भाई सही है, तो अम्मी ऊपर थी और अब्बू थे नहीं ऑफिस में थे, मैंने कहा बेस्ट टाइम है, मैं गई टिंग 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 गई, मैं मेरे पास कुछ पैसे थे 30-40 रुपए होंगे, मैंने कहा गोला गंडा लेके आते किसको पता चलेगा, 4 मिनट की तो बात है, 4 मिनट जाना 4 मिनट आना, लो जी जब मैं वापस आई तो कौन खड़ा, और अब्बू के मेरे बहुत कोई भरा है ना, मतलब अब्बू को देख के मैं अंदर आई और अब्बू सामने ना ड्राइवे में, और मैं रोना स्टार्ट खुद से मेरी हिचकी, और मैं नहीं सॉरी गलती हो गई, मतलब पहले से ही ना मैं घबरा गई कि मतलब उनके सवालों से पहले ही मैंने उन्हें जवाब दी थी, गलती हो गई, एक्सप्रेशन आ गए होंगे ना चेहरे पे, और मैंने कहा गलती अब नहीं आइंदा नहीं करूँगी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं इतना रोई और रोते रोते मेरा गोला गंडा सब वो बह गया, और मैं ऊपर गई और वो दिन है, और मतलब तोबा, ओह माय गॉड, यकीन जानो निदा अलाया, हम लोग जहाँ रहते हैं ना टाउन हाउस है और बाहर एक मेन गेट है, तो 4 चौकीदार होते हैं, अंदर पूरी गली है, सबके बच्चे खेलते हैं, अलाया को नहीं जा सकते, वो घर से बाहर निकले, और मतलब वो मेरे गार्डन में भी मुझसे पूछी जाती मामा कैन आई प्लीज प्ले इन द गार्डन, ओवर प्रोटेक्टिव हो यार, हालात मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती ना, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच्ची के, देखिए मेरे हमारे जैनब नाम है ना, दुआ
देखिए जो हमारे लोग बड़े ट्रस्ट वर्दी है, लेकिन मैं फिर भी कैसे ट्रस्ट करूँ अपनी बच्ची के साथ? सबके बच्चे खेलते मुझे कहती है, बट जो खबरें आज सुनने में मिल रही है, तो मैं अगर कुर्सी लेके जाऊं बाहर बैठूं तो ही मैं उसको अलाउ करती हूं, वरना नहीं। यार हमारे जमाने में मेरी अम्मा जबरदस्ती हमें पब्लिक बसेस में भेजती थी कि कॉन्फिडेंस आएगा। मैं और मेरी बहन साथ होते थे, सो हम दोनों लाइक पीसीएचएस कॉलेज से वापसी में हम वहां से बस में बैठ के घर आते थे। हमारे पास गाड़ी थी लेकिन मम्मा ने थोड़ा कहा कि थोड़ा तुम लोगों को कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो। लेकिन आज तो मैं ये तस्वीर भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी बेटी को कहूँ जाओ तुम पब्लिक बस पे कोचिंग चली जाओ। सही बात, तो सोच भी नहीं सकती कि बदल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।